Hello everyone, welcome back to our channel Reality 360 Degree. I am your host Jolly Yadav. और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक पर. आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को, अंडर कंस्ट्रक्शन वर्सेस रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज. घर बनाना या खरीदना, ये दोनों ही डिसीजंस लाइफ में काफी क्रूशियल होते हैं. लेकिन कौन सा घर है बेहतर, वो डिसाइड करना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है. इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ फैक्टर्स को जो मदद करेंगे ये डिसाइड करने में कि आपके लिए कौन सा बेहतर है और ये दोनों ऑप्शंस आपको क्या ऑफर करते हैं. चलिए शुरू करते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज से. अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज का मतलब है कि वो अभी डेवलपमेंट के स्टेज में है, यानी कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और आपका घर बन रहा है. इसमें कुछ एडवांटेजेस हैं, साथ ही साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं. सबसे बड़ा फायदा है फ्लेक्सिबिलिटी का. आप अपने घर को अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं. फ्लोरिंग, पेंट, किचन डिजाइन, सब कुछ आपकी मर्जी के हिसाब से हो सकता है. लेकिन इस फ्लेक्सिबिलिटी के साथ थोड़ा सा पेशेंस भी चाहिए होता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने में टाइम लग सकता है. जनरली अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज थोड़े सस्ते होते हैं कंपेयर टू रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज. अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. लेकिन इसके साथ चैलेंजेस भी हैं. कंप्लीशन टाइम का कोई गारंटी नहीं होता है और कंस्ट्रक्शन डिले भी हो सकता है. अगर आप इमीडिएट पोजेशन चाहते हैं तो ये एक ड्रॉबैक भी हो सकता है. अब बात करते हैं रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज की. इनमें आपको इमीडिएट पोजेशन मिलता है, आप घर देखें, पसंद आए तो शिफ्ट हो जाएं. इतना सिंपल है. इसका एक बड़ा एडवांटेज है कि आपको कंस्ट्रक्शन डिले या अनसर्टेनिटीज से बचा जा सकता है. रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज में जो आपको दिखता है वही आपको मिलता है. आपको एग्जैक्ट आइडिया होता है कि आप किस तरीके का घर खरीद रहे हैं. इससे आपको अपने फ्यूचर प्लान्स के हिसाब से प्लानिंग करने में आसानी हो जाती है. लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक भी है, कॉस्ट. जनरली रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं. लेकिन अगर आप इमीडिएट पोजेशन और पीस ऑफ माइंड चाहते हैं तो ये एक फेयर ट्रेड ऑफ हो सकता है. फैक्टर्स टू कंसिडर. अब हम देखते हैं कुछ फैक्टर्स को जो मदद करेंगे आपको ये डिसाइड करने में कि आपके लिए किस सेगमेंट की प्रॉपर्टी बेस्ट है. बजट. अगर आपका बजट फिक्स्ड है और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज एक ऑप्शन हो सकता है. लेकिन अगर आपको इमीडिएट पोजेशन चाहिए और आपका बजट फ्लेक्सिबल है तो आप रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज कंसिडर कर सकते हैं. टाइम फ्रेम. आपका टाइम फ्रेम क्या है? अगर आपको घर जल्दी चाहिए तो रेडी टू मूव इन एक प्रैक्टिकल ऑप्शन है. लेकिन अगर आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अंडर कंस्ट्रक्शन भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. कस्टमाइजेशन. क्या आप अपने घर को कस्टमाइज करना चाहते हैं? अगर हाँ तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज में आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है. लेकिन रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज में ये ऑप्शन लिमिटेड होता है. रिस्क टॉलरेंस. कितना रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज में कंस्ट्रक्शन डिले या अनफोर्सीन चैलेंजेस हो सकते हैं. इसके लिए आपको थोड़ा टॉलरेंस होना जरूरी है. रीसेल वैल्यू. अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो रीसेल वैल्यू भी कंसिडर करें. रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज का रीसेल वैल्यू जनरली स्टेबल होता है. लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज में ये फैक्टर थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है. तो दोस्तों ये थे कुछ फैक्टर्स जो आपको मदद करेंगे डिसाइड करने में. दोनों ऑप्शंस अपने तौर पर वैल्यूएबल हैं, बस आपकी प्रायोरिटीज और सिचुएशन पर डिपेंड करता है. अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज में फ्लेक्सिबिलिटी एंड कॉस्ट सेविंग है, लेकिन टाइम फ्रेम का अनसर्टेनिटी भी होता है. रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज में इमीडिएट पोजेशन और पीस ऑफ माइंड है, लेकिन कॉस्ट थोड़ा हाई हो सकता है. गाइज, मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई है और आपको अपने ड्रीम होम की तरफ एक कदम और बढ़ाने में हेल्पफुल रही है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, hit the like button and subscribe to our channel Reality 360 Degree for more such videos. And with that, we have come to the end of this video. Thank you for watching. Have a great day.